दोस्तों इस वीडियो में हम अपने फोन के डायलर में अपने किसी भी ऐप को हाइड करना सीखेंगे, छिपाना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के डायलर में अपने किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों फोन के डायलर में अपने किसी भी ऐप को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे से सेकंड नंबर पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है हाइड एप्स का, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हाइड एप्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऊपर राइट साइड कोने में जो एक सेटिंग टाइप का आइकन दिख रहा है, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन प्राइवेसी पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही टर्न ऑन प्राइवेसी पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करके आप यहाँ से 4 डिजिट पैटर्न अल्फा नंबरिक जो चाहे पासवर्ड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 4 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से दोस्तों आपको भी यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे यूज पे क्लिक करके दोबारा से सेम पासवर्ड को यहाँ पर दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसके नीचे उसका आंसर दे देना है, ताकि कभी आप इस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो रीसेट करने के काम आएगा। तो चलिए हम यहाँ से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसके नीचे उसका आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी यहाँ से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसके नीचे उसका आंसर दे देना है। फिर यहाँ पर ऊपर इस आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक स्टेप बैक हो जाना है। फिर यहाँ पर सेट एक्सेस कोड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही सेट एक्सेस कोड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर एक कोड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक कोड सेट कर लेना है, जिसमें सबसे पहले आपको एक हच दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो नंबर देना चाहते हैं आपको इस तरह से दे देना है। फिर यहाँ पर एंड में भी एक हच दे देना है। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में और एंड में एक हच देना कंपलसरी है, बाकी का बीच में आप जो चाहे नंबर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ऊपर इस आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से एक स्टेप बैक हो जाना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन के जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, अब आपको उन ऐप को यहाँ से इस तरह से ऑन कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप अपने फोन के जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, आपको उनको यहाँ से इस तरह से ऑन कर देना है। और जैसे आप उनको यहाँ से ऑन कर देंगे आपके वो सभी ऐप हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वहाँ पर जिन ऐप को ऑन किया था वो सभी ऐप यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, छिप चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन के डायलर में अपने किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं।